मध्य प्रदेश के गोदामों में फिर से अनाज बर्बाद हुआ है। 58,000 टन गेहूं, ज्वार और बाजरा खराब हुआ है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में अनाज रखा हुआ था। खाद्य विभाग ने खराब अनाज बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। खराब गेहूं का मूल्य 2 रुपए से 16 रुपए तक के बीच में है। तो गोदामों में देखिए एक बार फिर अनाज की बर्बादी हुई है। मध्य प्रदेश में 58,000 टन गेहूं, ज्वार और बाजरा खराब हुआ है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में अनाज रखा हुआ था, लेकिन खाद्य विभाग ने आपको बता दें टेंडर भी जारी किया है। सीधे रुख करेंगे संवाददाता सूरज, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, खाद्य विभाग ने तो देखिए टेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर मात्रा देखिए इस अनाज की तो हजारों टन अनाज बर्बाद हुआ है। देखिए 58,000 करीब 58,000 टन अनाज की बर्बादी हुई है, और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है ऋतु। इससे पहले भी साल दर साल ऐसी खबरें आती हैं और ऐसा ही होता है। आखिरकार बड़ा सवाल उन अफसरों पर, उन अधिकारियों पर है कि जब साल दर साल अनाज खराब होते हैं तो कोई सबक क्यों नहीं लेते, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं गोदामों में क्यों नहीं करते कि वहां पर पानी का रिसाव ना हो, वहां पर पानी ना जाए, या फिर जिस फसल के हिसाब से जैसा मौसम चाहिए उस हिसाब से चीजें रहें। लेकिन हर बार जब बारिश होती है, बारिश के बाद हर बार ऐसी खबर आती है और कई हजार टन जो फसल है जो बर्बाद हो जाती है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा, 58,000 टन करीब ये बर्बाद हुए हैं। और टेंडर, खाद्य विभाग ने अब तो टेंडर जारी कर दिया गया है, और जो खराब गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, 2 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक बेचने का टेंडर भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और ये खबर है, क्योंकि जब हर साल ऐसे बर्बादी होती है तो और बड़ी बात है। हर साल जो हटाए जाते हैं लोग, तो उसमें अफसरों को नहीं हटाया जाता, बल्कि जो सहायक होते हैं उनको हटाया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है, अफसरों पे गाज नहीं गिरती है। तो बड़ा सवाल फिर वही है, सबसे ज्यादा ऋतु, ये बता दूं कि राजधानी भोपाल पहले नंबर पर है खाद बर्बाद करने में। गेहूं, ज्वार, बाजरा की जो बर्बादी होती है गोदामों में रखे अनाजों की, उसमें सबसे ज्यादा बर्बादी राजधानी भोपाल में हुई है। इसमें ग्वालियर और जबलपुर भी पीछे नहीं है। ग्वालियर, जबलपुर में भी कई हजार टन जो ये अनाज है बर्बाद हुए, लेकिन राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा अनाज बर्बाद हुए। तो करीब 58,000 टन अनाज की बर्बादी हुई है और 2 रुपए से किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक बेचने का टेंडर जारी किया गया। रितु,